मौज़्ज़ज़ सामईने किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मखदूम अशरफ़ की करामत सुनी होगी, ख्वाजा गरीब नवाज़ की करामतें सुनी होगी, शहबाज कलंदर की करामतें सुनी होंगी, पीर महरे अली शाह की करामत सुनी होगी, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत सुनी होगी और तमाम वलियों की करामतें सुनी होंगी। मगर आज मैं आपको मौला अली अलैहिस्सलाम की मशहूर और मारूफ करामत सुनाने वाला हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम घोड़े की रिकाब पर पांव रखते हैं और तिलावत कुरान शुरू कर देते हैं। तो दूसरी रिकाब पर पांव रखने से पहले पहले मौला अली कुरान मजीद मुकम्मल फरमा लिया करते थे। और दूसरी रिवायत में आया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम घोड़े पर मुकम्मल तौर पर बैठने से पहले पहले कुरान मजीद मुकम्मल फरमा लिया करते थे। सुभान अल्लाह। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। जिस किसी को रेफरेंस चाहिए मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।